हेलो एवरीवन, मनीषा क्राफ्ट में मतलब मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ एलईडी लाइट ट्री जो भी हो। तो ये मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप लोग तो थंबनेल में देख ही लिए हैं और सोच मतलब समझ में लिए कि हाँ ये किस टाइप का एक्चुअल में दिखता है, मतलब मेरे बोलने से पहले ही आप लोगों ने देख लिया है। तो कैसे बनाते हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा आसान बोलना शायद थोड़ा गलत रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। तो मैं इस वीडियो में यही सिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, उसके लिए माफ़ी। और काफ़ी सारी चीज़ मेरे पास नहीं थे क्योंकि अभी जो है चल रहा है लॉकडाउन, तो हम नहीं जा पा रहे हैं बाहर कि हम कुछ खरीद सामान मतलब सामान खरीद ले और आप लोगों के लिए अच्छे से, ऐसे नहीं हो रहा है। तो जो भी है घर पे वही चीज़ से मैं बना रही हूँ। तो जो है आप लोगों को मैं समझा दूँगी कि क्या क्या आप लोगों को लेना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपके पास भी नहीं है वो सब सामान तो जुगाड़ लगा लो यार, जुगाड़ जिंदाबाद। यस, तो चलिए ज़्यादा देर ना किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, वेट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना पड़ेगा, करो अभी क्योंकि ये फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है, धमकी नहीं है भाई, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, सॉरी मैं मजाक कर रही थी, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। रोज़ दिन ऐसे आके सेम लाइंस बोल के मैं भी बोर हो गई हूँ और आप लोग भी बोर हो गए हो, इसलिए मैं थोड़ा एंटरटेन कर रही थी, चिल, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो लाते रहती हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि अरे मतलब और सब लोग मेरा वीडियो पसंद करते हैं, आप लोग जैसे इतने अच्छे अच्छे इंसान मुझे पसंद करने, मेरे वीडियोज़ को कि थोड़ा गलती वो बोल दे रही हूँ, मेरे वीडियोज़ को पसंद करने लगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलती है मुझे वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आप लोगों का इस तरह से सपोर्ट रहा ना तो मैं अच्छे से अच्छा वीडियो और जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मैं एक दिन दो दिन बाद वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लो क्योंकि जब भी कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ जल्दी से आपके पास सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने अपलोड कर दिया है, जाके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मैं ज़्यादा नौटंकी तो नहीं हो रही हूँ ना, अच्छा ठीक है। तो फिर यही बोलना था। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मैं हर किसी के लाइक देखती हूँ कि मेरे वीडियो में कौन लाइक किया, कौन सब्सक्राइब किया, कौन कमेंट किया देखती हूँ। भाई अभी मैं मोनेटाइज नहीं हुई हूँ, मेरे वीडियो में अभी तक मतलब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मैं इन सब का ख्याल रखती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, तो मैं इतना कुछ तो मेंटेन कर ही सकती हूँ। बाद में लाखों हो जाएंगे, करोड़ों हो जाएंगे, कुछ भी, ओके। तो ये जोक था, हाँ, तो बाद में नहीं देख पाऊँगी तो मैं सच में देखती हूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं देखती हूँ कि कौन मेरे वीडियो को शेयर किए, कौन मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड कौन कौन मेरे वीडियो पे कमेंट कर, मैं सब देखती हूँ। और वो लोग मेरे जो लिस्ट मैं बना रही हूँ उसमें सबसे पहला स्थान मैं उन्हें दी हूँ और उन लोगों को मिलेगा एक बहुत ही मज़ेदार सरप्राइज़ जो कि बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी कुछ आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की हो, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्किप करने से आप जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही स्किप कर जाओगे क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ हर एक पार्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी पार्ट को आप स्किप करते हो, अरे चलो यार स्किप करते हैं, तो आप एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आप लोग मुझे बताने वाली हूँ वो स्किप कर जाएंगे, फिर क्या आप लोग सीखे, क्या सीखे आप लोग, ठीक है। तो हाँ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बात कर ले रही हूँ आज मैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ मैं ले रही हूँ, तो इसके बदले आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको मन हो। तो मैं यहाँ से जो है मैं सूखी लकड़ियाँ अपने हिसाब से मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे जो है एक पेड़ का शेप चाहिए, तो उस हिसाब से ही मैं
डालियाँ ले रही हूँ जो सूखी हुई डालियाँ होती है। तो देखिए इस टाइप का मैं पेड़ का एक शेप देने वाली हूँ। आज मैं जो बनाने वाली हूँ उसके लिए मैं इस टाइप का पेड़ का शेप चाहिए मुझे। इस तरह मैं ये सूखी डालियाँ अपने हिसाब से कलेक्ट की हूँ। आप चाहे तो आप कुछ का भी बना सकते हैं, जैसे भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से लूँगी एक मेन सूखी हुई लकड़ी, जिस लकड़ी पे मैं अपने पेड़ को अच्छे से टिका सकूँ और पेड़ को जो है खड़े रख सकूँ। इसलिए मुझे इस टाइप का जो लकड़ी है वो सही लग रहा है और बहुत हल्का भी है, तो अपने हिसाब से आप भी ले लीजिए। अब मैं ले ले रही हूँ वायर, और प्लायर की मदद से वायर के टुकड़े टुकड़े करके मैं वायर जो है ये लकड़ी से लकड़ी जो है मैं सूखी लकड़ी जो ली हूँ ये मेन लकड़ी के साथ में मैं इस टाइप से जोड़ूंगी। तो इसलिए मैं वायर ली हूँ कि वायर की मदद से मैं अच्छे से जो है देखिए मैं इस टाइप से अच्छे से अटैच कर लूँगी कि जो हमारा ऐसे पेड़ बनने वाला है, ठीक है, उनकी जो मैं शाखाएँ बना रही हूँ वो जो है वो गिर ना जाए, ठीक है। देखिए घुमा घुमा के इस टाइप से आपको अच्छे से टाइटली जो है आपको वायर से बांध लेना है। वैसे मैं सारा नहीं की हूँ, सारा वीडियो क्लिक नहीं की हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस आपको दो ही दिखाई हूँ कि कैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो देखिए ये मैं सेकेंड जो है ये लकड़ी सूखी लकड़ी ली हूँ, और सूखी लकड़ी की जहाँ पर इस टाइप से है यहाँ पर मैं इस तरह से घुमा घुमा कर और टाइट से बांध कर मैं एंड तक लेके आऊँगी। देखिए इस टाइप से मैं वायर को बांध रही हूँ, टाइट करके घुमा ले रही हूँ वायर को, ताकि हमारा जो वायर है वो इस लकड़ियों को अच्छे से पकड़ के मेन लकड़ी के साथ में अच्छे से जोड़ सके। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, ठीक है। शाखाओं के साथ में मैं कुछ इस टाइप से वायर को अटैच कर ली हूँ। आई होप आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो फाइनली मेरा जो ये पेड़ है, पेड़ का शेप बोल सकते हैं, बन के तैयार है, तो इस टाइप से दिख रहा है। अब जो है मैं इसके ऊपर में वो जो फुलझड़ी लाइट्स होते हैं, हम वैसे वेस्ट बंगाल में इसे टूने लाइट बोलते हैं, दिवाली में जो यूज़ होते हैं, वो मैं रैप करूँगी। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ लाइट्स, एंड आपको चेक करके देख लेना है कि ये जलता भी है या नहीं, वरना बाद में अगर नहीं चलेगा, बाद में आप जलाओगे तो नहीं चलेगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं ले ले रही हूँ छोटे छोटे वायर। इस वायर की मदद से मैं पूरे पेड़ पे जो है ये लाइट को मैं अच्छे से घुमा घुमा के लगा लूँगी, मेड़ लूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखाई हूँ कि किस टाइप से आपको करना है, क्योंकि इतना लंबा वायर थोड़ा सा मेड़ने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। देखिए मैं वायर को कुछ इस टाइप से यूज़ कर रही हूँ। तो लाइट्स को आप कैसे घुमा लेने हैं, और मेरे तो पूरे पेड़ पे नहीं होते हैं, मेरे कुछ कुछ जगहों में नहीं हो पाते, छोटा पड़ जाता है मेरे लिए ये लाइट्स, ठीक है। ऐसे घुमा घुमा के आपको वायर के मदद से बांध लेना है। तो देखिए यहाँ पर जाके अगर आपका वायर ऐसे हो जाता है ना, तो आप कैसे वापस लाएंगे, देखिए इस टाइप से आपको वापस लाना है वायर को। आप वही डाली में सीधा इस टाइप का करके आपको जो है, देखिए मैंने यहाँ पे वायर लगाया है, ठीक है, आपको वायर लगा लेना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप फिर से ऐसे मेड़ के अगर एंडिंग में अगर आपका वायर रहता है तो आप घुमा के इस टाइप से ला सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है समझने में। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो मैं अभी जो है अच्छे से मैं ये लाइट्स मैं अच्छे से मोड़ के लगा ले रही हूँ। हमारे वेस्ट बंगाल में तो इसे टूनी बल्ब बोलते हैं, और शायद बहुत कोई इसे फुलझड़ी बोलते हैं।
पेड़ पे लाइट्स लग के तैयार हो चुके हैं, तो कहीं कहीं पे आप लोग देख सकते हैं लाइट्स नहीं लगा पाए क्योंकि इतना ज़्यादा लाइट्स नहीं थे मेरे पास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं नीचे में जो लाइट्स के जो वायर है मैं नीचे में इस टाइप से अटैच की हूँ कि वो जो तार है ना वो डिस्टर्ब ना करे, इधर उधर ना जाए, इसलिए मैं वायर के साथ में ऐसे मेड़ ली हूँ। ठीक है, अब जो आपको करना है, अगर आपके पास में ग्रीन टेप है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दुकान से ले लीजिए। वैसे तो मैं यहाँ पे मेरा ग्रीन टेप जो घर पे था वो ख़त्म हो गया था, तो मैं इलेक्ट्रिक वायर में जो हम लोग यूज़ करते हैं ग्रीन टेप वो भी यूज़ की हूँ। आप लोग मैं वीडियो में नहीं दिखाई हूँ लेकिन बाद में अगर आप लोग गौर करेंगे तो आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप से जुगाड़ लगा लीजिए और अच्छे से घुमा घुमा के लाइट्स वाले एरिया को छोड़ के, देखिए मैंने लाइट्स छोड़ दिया है, और बाकी सब एरिया में अच्छे से ग्रीन टेप लगा लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्लावर कैसे बनाते हैं, क्योंकि फ्लावर भी चाहिए हमें। देखिए इतने हिसाब से इतना बड़ा आपको लेना है, जितना बड़ा आपका मर्ज़ी लेना है, और इस टाइप से मैं जैसे फोल्ड कर रही हूँ ध्यान से देखिए, फोल्ड करने के बाद में आपको ऐसे एन वाले शेप में इस टाइप से कट कर लेना है। कट करने के बाद में देखिए कट कर ली, अब जो पॉइंट वाला एरिया है वो पॉइंट को भी कट करने से बीच में जो है होल हो जाएगा फ्लावर का। देखिए हो गया, अब जो है एक जगह में कट कर ले और उसे फेविकॉल से या कोई भी गम से आप चिपका ले तो फ्लावर कुछ इस टाइप से दिखेगा। और आप हमारे जो लाइट्स है, लाइट्स में आप कुछ इस टाइप से ग्लू की मदद से आप अटैच कर ले। अब मैं बनाऊंगी क्या बोल सकते हैं इसे, कोई भी पॉट, क्योंकि अब तो वो ट्री को हमें रखना है, तो आप कुछ भी जुगाड़ लगा लीजिए। मेरे पास ये एक बॉक्स था, कार्टून बॉक्स, जिसमें मेरा कुछ सामान आया हुआ था ऑनलाइन का, तो मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ। ठीक है, वो मैं रखती हूँ कि कभी ना कभी कोई काम आएगा। तो देखिए काम आ गया, उस पे जो है मैं ग्रीन पेपर से इस टाइप से फोल्ड करके मैं बालू अच्छे से भर ली हूँ, रेत भर ली हूँ कि मेरा पेड़ जो है वो अच्छे से रह जाए। और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ कुछ घास, आर्टिफिशियल घास जो मैं दिसंबर में यूज़ की थी, मैं एक्चुअली क्या क्या बनाते रहती हूँ। तो देखिए अब जो है बन के बिल्कुल तैयार है, लेकिन वायर को मैं है इस टाइप से ली हूँ। ठीक है, इसके पीछे से अंदर से ली हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वायर ऊपर से रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तब देखिए मेरा ट्री बनके बिल्कुल तैयार है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा स्टोन आर्ट। अगर आपको भी जानना है ये स्टोन आर्ट मैं कैसे बनाई हूँ, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए। आई होप आप लोगों को मेरा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों को बता के ये खत्म वीडियो ख़त्म करती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे एक माइक लगाई हूँ, तो अगर आप मेरे हर वीडियो देखते हो तो आप सोच रहे होंगे कि इसके पास माइक नहीं था, इसके पास माइक कहाँ से आया, खरीदा है यार, मजाक है क्या, किसी से भी मांग लूँगी और यूज़ कर लूँगी, मजाक है। तो जो भी हो मैं ये खरीदी हूँ बोया माइक, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था तो लॉकडाउन के चलते मैं खरीद नहीं पा रही थी, तो मैंने तो खरीद लिया भाई। देखिए मेरे इधर अमेजोन है, डिलीवरी दे रहे हैं भाई, ऑर्डर करो और ले लो ना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था तो मैं जो है ले ली। और इसका फुल रिव्यू दी हूँ कि ये चीज़ कैसा है, किस पे सपोर्ट करता है, किस पे सपोर्ट नहीं करता है, कैसे आप जान सकते हो कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट कंपनी भेज रहा है, मतलब कोई भी ऑनलाइन जो डिलीवरी हमें देते हैं वो ओरिजिनल भेज रहे हैं या डुप्लीकेट भेज रहे हैं, सब कैसे आप कर सकते हो, कैसे कैसे सब कुछ मैं अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ मेरे वीडियो में। उस वीडियो को मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे मैं बात ख़त्म करती हूँ, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। कितना बार बोल रही हूँ ना मैं, प्लीज़ कर दीजिए, इतना बार बोल रही हूँ, एक लड़की इतना बार बोल रही है, हाथ जोड़ के बोल रही है, प्लीज़ अब तो कर दो। ठीक है, तो फिर यहीं पर मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ, और हाँ वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।